शराब पीने की लत से काफ़ी अलग अलग बीमारियां होती रहती है। शराब पीना और उसकी लत लगना, यही एक बीमारी है, इसको बोलते हैं अल्कोहल एडिक्शन। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो भी शराबी है उसको लगता है कि मैं शराबी नहीं हूं, मैं तो क्या शराब कभी भी छोड़ सकता हूँ, शराब तो मेरे मन में है, मैं कभी भी छोड़ दूंगा। और ऐसे लोग ही शराब छोड़ते नहीं है। लोग बोलते हैं पिछले बार मैंने 6 महीने शराब नहीं पी थी, अरे मगर आपने फिर चालू किया उसका क्या? नहीं, मैंने साल भर नहीं पी थी मगर अभी चालू किया तो उसका क्या? एक बार आप शराबी बन गए तो आप जिंदगी भर शराबी है ऐसा समझ के चलो, क्योंकि शराब की जो लत है वो छुट्टी नहीं है। जैसा डायबिटीज है, मधुमेह, शुगर की बीमारी, एक बार हो गई तो जिंदगी भर है वैसे शराब की। आपको हरदम सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि फिर कब चालू करूंगा मैं शराब। वो डर कभी भी रह सकता है कि फिर चालू कर देगा। तो इसलिए आपको शराब सोशल लेवल पे भी लेना नहीं है। लोग सोशल ड्रिंकर है, मतलब ऐसा कि नहीं, हम जब लोग मिलते हैं तब हम शराब लेते हैं, कभी पार्टी करते हैं तब शराब लेते हैं। पार्टी करने वालों में से 6 में से 1 व्यक्ति शराबी बन जाता है। आपको ये पता है कि शराब जो है वो सबसे ज़्यादा पेट को, स्टमक को, और दूसरा सबसे ज़्यादा लीवर को ख़राब कर देती है। लोगों को पीलिया होता है और एक बार लीवर ख़राब हो गया तो बाकी सब जो अंदर के अवयव है, पूरे जो ऑर्गन्स अंदर के, सब खराब होना शुरू हो जाते हैं। शराब से क्या होता है, भूख लगती नहीं है, खाना आदमी कम खाता है, और जो भी विटामिन्स की ज़रूरत है वो विटामिन्स भी अपने ब्रेन को मिलते नहीं है, अपने बॉडी को मिलते नहीं है, और उससे भी बीमारियाँ होती रहती है। जैसा बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी होती है, B12 डिफिशियंसी होती है, B1 डिफिशियंसी होती है, विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती है, और फिर ये विटामिन यदि ब्रेन को मिलते नहीं है, स्पेशली थायमिन B1, तो फिर ब्रेन को और बीमारियां शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं फिर अल्कोहलिक साइकोसिस, अल्कोहलिक डिमेंशिया, तो वो फिर अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए, अल्कोहल एडिक्शन ये बीमारी है, उसका तो इलाज करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, घर में कोई इज्जत रहती नहीं है, पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं, आदमी काम पे जाता नहीं है, काम पे गया तो काम बराबर करेगा नहीं, किसी से भी झगड़ा मोल लेता है, एंटी सोशल बिहेवियर करता है, पैसा जा जा के पैसा सब खलास हो जाता है, बेच बाच के सब मोकला हो जाता आदमी। इसलिए शराब का इलाज करना ज़रूरी है, शराब की लत का, और उसके लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। शराब व्यसनी के लिए, शराब की लत के लिए हमने सन्मित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र एक नया खुला हुआ है, यहाँ हम पेशेंट लोगों को दाखिल करते हैं, 1 महीना से लेकर 3 महीने तक उनको भर्ती करते हैं। शराब छोड़ने के बाद में नींद नहीं आती है तो उनको कुछ नींद की दवाई देते हैं, भूख लगती नहीं है भूख की दवाई देते हैं, विटामिन्स देते हैं, टॉनिक्स देते हैं, और शराब छोड़ने की दवा देते हैं। उनको सलाइन दिया जाता है, IV फ्लूइड जब देते हैं तो उसमें से विटामिन छोड़ते हैं। उनको एक बार नींद आना चालू हो गई, भूख लगना चालू हो गई, तबीयत अच्छी होना शुरू हो जाती है, फिर बाद में उनको ऐसी गोली देते हैं डायसल्फिराम की, तो वो गोली के बाद में उसके ऊपर यदि वो गोली चालू, उसके ऊपर यदि शराब पीता है व्यक्ति तो उसको बहुत ज़ोर से रिएक्शन आती है, तो उसको मालूम है कि मैं गोली खा रहा हूँ और अभी इसके ऊपर मैंने शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन आएंगे। तो हम फिर उसको बोलते कि भाई साल भर तक ये आप गोली चालू रखो, ताकि आप ऐसा स्पर ऑफ द मोमेंट एकदम जाके शराब पियेंगे नहीं। तो वो डायसल्फिराम की गोली भी हम सुबह शाम उनको देते हैं और उनका इलाज करते हैं। शराब एडिक्शन ही बीमारी है। शराब से फिजिकली, शारीरिक जो है उससे कमज़ोर हो जाता है, बीमारियां शारीरिक हो जाती है, पीलिया हो जाता है, ब्रेन के ऊपर असर होता है और आदमी पागल भी होता है। शराबी लोग, उनकी आयु जो है वो बाकी लोगों से यदि कंपेयर करते हैं तो कम से कम 10 से 15 साल कम जीते हैं, उनकी मौत जल्दी होती है। शराबी लोगों का तो दिखता अच्छा है बाहर से आदमी, मगर अंदर से पूरा खोखला हुआ नज़र आता है, अंदर से बहुत सारी बीमारियां उसको रहती है, कभी भी कुछ भी उसको बीमारी संभव है। एक आधी बार फटाक से हार्ट अटैक आ जाता है, TB जैसी बीमारी जल्दी हो जाती है, कोई बुखार जल्दी हो जाता है, या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जैसी बीमारी उसको जल्दी हो जाती है। इसलिए शराब का इलाज करना ज़रूरी है। हमने क्या किया हुआ है कि यदि शराबी व्यसनी जो है उसके साथ में कोई रहने को तैयार नहीं है, कोई लोग नहीं है, घर पर कोई लोग नहीं था, उनको अकेले भर्ती करते हैं हॉस्पिटल में, और अकेले भर्ती करके उनका इलाज करते हैं।
हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ से आदमी बाहर नहीं जा सकता, शराब नहीं पी सकता है, और वहाँ उसका इलाज करते एक महीने बाद में रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार आके उनको वापस लेकर जाते हैं, बाद में उनको फॉलोअप देते हैं और एक साल तक शराब की गोली लेने के लिए बोलते हैं। आपको यदि आपके शराबी व्यक्ति का इलाज करना है, अपने परिवार में कोई शराबी है, आपको कोई आपको परिचित व्यक्ति है, वो आने को इच्छुक भी नहीं है, आने को तैयार भी नहीं है, तभी उसको लेकर आने की जवाबदारी भी हम लेते हैं, उसको हम हॉस्पिटल में लेकर आएंगे। आप लाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, हम उसको एडमिट करेंगे और उसका इलाज करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम रहने को तैयार है पेशेंट के साथ में, तो हमारा दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिलेटिव्स के साथ में पेशेंट रहता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और उसका फिर इलाज करके हम उसको छुट्टी कर देते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। संमित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र सीमेंट गोडाउन के पास अकोट रोड अकोला। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।